पाक बहरिया, पाकिस्तान की बहरी हुदूद और साहली मफादात के मुहाफिज, पाकिस्तान के दिफा में पाक बहरिया के मौजूदा और बुनियादी किरदार के पीछे कई शहदा और गाजियों की बेमिसाल शुजात की रवायात शामिल हैं। उन्हीं में 1965 पाक भारत जंग में दुश्मन पर धाक बिठाने वाली सबमरीन गाजी का दलेराना किरदार और 9 दिसंबर 1971 को हंगोर की गाजी बनकर सुरखरू होने की तारीख भी शामिल है। दुश्मन बारहा सबक सीखने के बाद भी बाज आने के लिए आमादा नहीं था। 9 दिसंबर 1971 को दुश्मन के बहरी जहाजों किरपान और कुकरी को खबर न थी कि जीरक सबमरीन हंगोर जेरे आब अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए मौजूद थी। सबमरीन हंगोर ने दुश्मन की बुजदिली को आया करते हुए उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। दोनों जहाजों के निशाने की हद में आते ही सबमरीन हंगोर की जानिब से उन पर टॉर्पीडोज दागे गए। बहरी जहाज कुकरी धमाके से दोलख हुई तस्वीर बना और पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर सुरखरुई के जज्बे से सरशार हुई और दुश्मन ने इस जंग की भारी कीमत चुकाई। इतना ही नहीं, भारतीय बहरी जहाज किरपान भी अपने अंजाम को पहुंचा और उस दिन के बाद से वो समुन्दर के पानियों को छू तक न सका। पाक बहरिया की ये फातह आबदोज वतन की मोहब्बत में सुरखरू होकर वापिस अपने परचम के साए तले आन पहुंची।